देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9 लाख के पार हुई। 24 घंटे में 28,500 नए संक्रमित मिले और 550 से ज्यादा हुई मौतें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से सचिन पायलट बर्खास्त। राज्य की कमान गोविंद सिंह दोस्तारा को सौंपी गई। सुरजेवाला बोले, राज्य की कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी पर 35 लोदी स्टेट बंगला नहीं छोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से पैरवी का आरोप। प्रियंका गांधी बोली, ये खबर फर्जी है। पटना में बीजेपी कार्यालय में हुआ कोरोना विस्फोट। 24 बीजेपी नेता समेत 75 कार्यकर्ता और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए। 50,000 का इनामी विकास दुबे का सहयोगी शशिकांत गिरफ्तार। एडीजी प्रशांत कुमार बोले, पुलिस से लूटी गई AK-47, इंसास राइफल और 17 कारतूस बरामद। बुधवार को आएगा सीबीएसई का 10वीं का रिजल्ट। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की घोषणा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज शाम 8 बजे से शुरू होगा लॉकडाउन। 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। फंड मिलने में देरी का हवाला देते हुए ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग किया। 4 साल पहले हुआ था समझौता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने फिर दी चेतावनी। कहा, अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो महामारी बद से बदतर होती जाएगी। और भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, भगवान राम का जन्म नेपाल के बीरगंज में एक गांव में हुआ था।